हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल FMPHW MMPHW पैरामेडिकल कोर्सेज एट वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ UT ऑफ J&K। ये कल शाम को आई थिंक ये नोटिफिकेशन निकला है, लेट निकला था, तो मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर। तो 10th बेस पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट कर रहा है जेके बोपी वेरी सून, और 23rd of July को इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं, यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड ऑफ द FMPHW 11 बजे ऑनवर्ड से लेकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा 27th of July को जो सैटरडे है, और टाइमिंग रहेगा 10 AM से 12 PM तक, ठीक है। तो ये 2 घंटे का ये MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा 10th बेस पैरामेडिकल का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द जेके बोपी इज़ कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द FMPHW एंड MMPHW कोर्स। तो इस नोटिफिकेशन को हम आप डिटेल में गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें, तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू द 10th बेस पैरामेडिकल FMPHW MMPHW कोर्सेज 2024 एट वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ UT ऑफ J&K आर हियर बाई इन्फॉर्म डैट द ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 23rd of July 11 AM ऑनवर्ड्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बोपी J&K। गवर्नमेंट शेल टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। डेट ऑफ द कॉमन टेस्ट जो है 10th बेस पैरामेडिकल का, वो है आपका 27th of July को सैटरडे को। टाइमिंग ऑफ जो एग्जामिनेशन रहेगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। ये 2 घंटे का पेपर, और ये फर्स्ट टाइम जेके बोपी आई थिंक, जहाँ तक मैं 3.5 ईयर से मैं ये चैनल को रन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जेके बोपी इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। तो बी प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उनका भी मैं एक वीडियोज़ अपलोड करूँगा अपने चैनल पर वेरी सून, ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए इस टेस्ट से पहले पहले तक। और साथ में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, उसमें आपने एक रिसेंटली अपना जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, वो शायद उस पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। एक सेकंड में इसको गो थ्रू कर लेता हूँ। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिक्स, हाँ जी यही लिखा हुआ है इसमें कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, जो आप डाउनलोड करोगे एडमिट कार्ड को, उसके ऊपर पेस्ट करना है। और आपने अपने एक ओरिजिनल ID प्रूफ साथ रखना है, जिसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट फोटो ID, ठीक है, इशूड बाय द कंसर्न कॉलेज या एम्प्लॉयर ID इन ओरिजिनल पॉजिटिवली फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, ये आपको साथ रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं वो है आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा कॉलेज में, वो रहेगा जो आपका जो सेंटर है या कॉलेज कोई भी सेंटर बना है, तो 8:45 का रहेगा। 9:25 पे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, हॉल में आपको एंटर कराने दिया जाएगा। 9:30 पे इन्विजिटर जो भी होगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में होगा, वो आपको आपका ID प्रूफ से आपकी वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड का, और अटेंडेंस शीट को क्रॉस वेरीफाई करेगा, ठीक है, आपका कंसर्निंग कैंडिडेट का। 9:45 पे OMR शीट आपको दे दी जाएगी, ठीक है, विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन इट, फिल इन देयर पर्टिकुलर ऑन द OMR आंसर शीट। फिर 9:55 पे कैंडिडेट विल बी गिवन क्वेश्चन बुकलेट नंबर इज टू बी एंटर्ड इन द OMR आंसर शीट, ठीक है। और 10 बजे आप उसको सील को ब्रेक कर सकते हो, और क्वेश्चन पेपर को देख के क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि FMPHW का जो भी एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट हो रहा है, डैट इज़ ऑन 27th of July 10 बजे से 12 बजे तक। और जो भी टाइम शेड्यूल है, जो भी उसका पैटर्न है, क्या क्या आपने किस टाइम रिपोर्टिंग करना है, वही आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने 8:45 पे आपने उधर रिपोर्ट करना है, 9:25 पे आपको हॉल में एंटर किया जाएगा, 9:30 पे आपके ID बुक चेक किए जाएंगे, 9:45 पे OMR शीट दी जाएगी, 9:55 पे क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी, 10 बजे पेपर स्टार्ट कर सकते हो। और कैंडिडेट्स विल रिमेन इन द सीट एंड विल हैंड ओवर देयर ओरिजिनल OMR आंसर शीट टू द इन्विजिटर, टेक द क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR कैंडिडेट कॉपी अलॉन्ग विद दैम एंड लीव द एग्जामिनेशन हॉल ओनली वैन दे आर आस्ट टू लीव। तो 12 बजे आप लीव कर सकते हो, अपना जो भी हॉल है उसको उसे पहले नहीं कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द OMR शीट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टेंसेज के अंदर। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेन्यू ऑफ देयर एग्जाम सेंटर एनी डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपको अपना जो वेन्यू है एक दिन पहले ही जाके विजिट कर लेना, ताकि आपको उस दिन कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो,
कैंडिडेट शुड रिपोर्ट इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम एज पर द अबाउट टाइम शेड्यूल। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम गिवन। कोई भी प्रिस्क्राइब टाइम जो भी गिवन है उसी के अंदर आपको उधर जाना है और वहाँ पर अपनी सीट को ऑब्टेन करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टेबलेट इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। इफ़ यू कैंडिडेट इज फाउंड कैरिंग एनी ऑफ दिस डिवाइसेस इन द एग्जामिनेशन सेंटर, हिज और हर क्रेडेंशियल शैल बी विल बी सॉरी कैंसल्ड ड्यूरिंग द बैन फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन सिलेक्शन। तो आपके ऊपर एक बैन लग जाएगा ताकि फिर आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। जे के बोपी का खासकर द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट शैल शोन इन द एडमिट कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द बोपी प्योरली प्रोविजन एंड सब्जेक्ट टू द सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी बाय द बोर्ड और एनी अदर कॉम्पिटेंट बॉडीज। तो यहाँ पर ये उन्होंने ये बता दिया, कैंडिडेट हु हैव बीन सबमिटेड रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड हैव मैनेज टू अपीयर इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। इफ एडमिशन इज ग्रांटेड ऑन द बेस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन हिज और हर एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड डिपार्टमेंटल एक्शन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विल वर एप्लीकेबल शैल बी रिकमेंडेड इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। मेरे अपेयरिंग इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शैल कैन नॉट बी एनी वे टेकन इन द गारंटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स। ये नहीं कि आप एंट्रेंस देने बैठ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपको कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड पर्टिकुलरली रीड इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग अप ऑफ द ओमर आंसर शीट वेरी केयरफुली। वे कैंडिडेट शुड चेक द क्वेश्चन बुकलेट आफ्टर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन शुड एंड शुड द बुकलेट कंटेंट्स 120 क्वेश्चन। एटलीस्ट आपको 120 क्वेश्चन आपके उसमें होने चाहिए, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। इनकेस ऑफ एनी मिसिंग क्वेश्चन पेपर, ब्लैंक पेपर, डैमेज क्वेश्चन बुकलेट, इट शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न टू रिपोर्ट टू द इन्विजिलेटर एंड गेट इट रिप्लेस बाय द सेम सीरीज फॉलोइंग विच नो कंप्लेंट कैन बी एंटरटेन आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, तो आपको बुकलेट स्टार्टिंग में ही क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर उसमें कोई वर्ड्स, अगर उसमें कोई क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो आपको उसी टाइम रिपोर्ट करना है। ये नहीं कि पेपर लास्ट में पहुंच जाए और आपको पता चले कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है, तो मेक श्योर कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि 120 क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं और आपका पूरा क्वेश्चन पेपर प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट हुआ हुआ है। अब रही आंसर की बात, आंसर की जो है इसकी 27 जुलाई को 6 बजे के अराउंड 2 बजे 6 बजे से 2 बजे तक अपलोड हो जाएगी जेके वोपी की वेबसाइट के ऊपर, और 3 दिन तक ये वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी 28, 29 और 30 जुलाई तक, 5 बजे तक ये डिस्प्ले में रहेगी। ठीक है, और इसका आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी की आंसर की प्रॉपर नहीं है तो आप एक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, उसके जो चार्जेस दे आर गोइंग टू चार्ज विल बी ₹1000। ठीक है, ये चार्ज करेंगे आपसे अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हो। तो यही अपडेट अभी तक का सबसे बड़ा है कि 10th बेस पैरामेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट आर कंडक्टिंग ऑन 27th ऑफ जुलाई, ये कंफर्म हो चुका है। एडमिट कार्ड 23rd ऑफ जुलाई से निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल की तरफ हमें एक मोटिवेशन देता है ताकि आपको अपडेट कर सकें ऑन टाइमली बेसिस। और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल, मोर देन 800 वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल, यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।